देखो मेरे पास इतनी सारी करेंसीज के कलेक्शन है ना, ये देखो 160 डिफरेंट डिफरेंट करेंसी कलेक्शन है मेरे पास। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना अलमारी, ये मेरा अलमारी है खास, यहाँ पे मैं अपना सब सामान रखता हूँ, सब ट्रैकिंग सामान मेरा यहीं रहता है। ये मेरा रूम है, यहीं से एंटर है यहाँ पे, ये मेरा रूम है, यहाँ पे मैं सोता हूँ। और ये देखो इसे कैसे बैठा है, ये हमारा गंदा बच्चा गुस्सा हो गया ये। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ प्रदीप राणा, आज है 19 अप्रैल। हाँ, आज मैं वीडियो आज के दिन में ही बना रहा हूँ। तो अभी तक सभी लोगों ने जो वीडियोस देखी होंगी मेरी, वो एक एक महीने पहले की वीडियोस देखी होंगी, तो बहुत लोगों के जो जो ऑडियंस थी वो बहुत कटने लग गई थी, तो बहुत लोगों ने वीडियोस देखना छोड़ दिया था। तो मैंने आज को सोचा कि पीछे के सब वीडियो छोड़ के, पीछे की जो जर्नी छोड़ के, वो ऑलरेडी लोग देख रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम में और फेसबुक में, तो क्यों ना आज जो चल रहा है प्रेजेंट डे में वो दिखाऊँ और शाम को अपलोड कर दूँगा। और मैं ट्राई करूँगा कि मैं डेली व्लॉग्स या उसके एक एक दो दो दिन बाद डालते रहूं। अभी मैं जहां बैठा हूं, ये मेरा गार्डन है, यहां पे पीछे चुमारों का पेड़ है और ये अखरोट का पेड़ है और सामने बांज का पेड़ है और सामने व्यू है हमारे पूरे घाटी, दिनाई घाटी का। सबसे पहले तो मुझे घर आए हुए 6 मार्च को इंडिया आया था, आज 19 मार्च हो चुकी है, एक महीने से ऊपर हो चुका है। अभी जाने का टाइम आ गया है, अभी टाइम कम है मेरे पास, कुछ चीज़ दिमाग में आपको बाद में बताऊँगा। सबसे पहले आपको अपने घर दिखाता हूँ, अपने घर के लोगों से मिलाता हूँ। मेरे घर में मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरी बहन, बड़ी बहन जो मुझसे 2 साल बड़ी है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, घर से वर्क फ्रॉम होम करती है, और मैं 24 साल का हूँ, मेरी बहन 26-27 साल की है, और साथ में 3 कुत्ते हैं। पहले दो कुत्ते से आपको मिलाता हूँ। ये दो हमारे डॉगीज़ हैं, ये है कोको, ये है चेरी, ये दोस्त एक डेढ़ साल के हैं, और ये दोनों भाई हैं, और ये है लासा एप्सो ब्रीड है, और ये है हमारा टाइगर, ये हमारा भोटिया है जो हम लाए थे गैरोली पातलवाण से, जो है रूपकुंड का बेस कैंप, ये हमारे घर की देखभाल करता है बंदरों से। और दोस्तों ये है मेरी फैमिली, ये मेरी बहन Hello, है प्रतिभा राणा है, ये मेरे पापा हैं किशन राणा, हेलो, और अभी पापा ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, मम्मी अभी फ्रेम में नहीं है क्योंकि मम्मी अभी स्कूल में, चलता हूँ मिलाने। और दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने स्कूल में, ये हमारा स्कूल है और यहाँ पे मेरी मम्मी है, मम्मी गुड मॉर्निंग, ये मम्मी है जो स्कूल में है अभी, तो हमारा एक यहाँ पे स्कूल, छोटा सा स्कूल रन करते हैं मम्मी पापा, हितैषी विद्या निकेतन करके, जो हमारे हितैषी इंडिया एनजीओ में आता है। मम्मी तो बिजी है, मैं कुछ सब नहीं करता हूँ अभी। ये हमारा स्कूल का ऑफिस है जहाँ पे बच्चे कंप्यूटर सीखते हैं, यहाँ पे हमने पावर बैकअप दे रखा है मेरी बहन के काम के लिए, और स्कूल में कुछ भी इमरजेंसी है उसके लिए पावर बैकअप है, उसके अलावा हमने वाईफाई भी लगा रखा क्योंकि बहन को वाईफाई की ज़रूरत होती है। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ छत में, ये हमारा पूरा घर है, उस कोने से लेके पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक, वहाँ साइड स्कूल है और इस साइड हमारा पर्सनल रेजिडेंस है, यहाँ रहते हैं हम, वहाँ पर हम खेती करते हैं, वहाँ पर हमारा पानी का टंकी है जो हम वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। और अभी ऊपर जो देख रहे हो यहाँ पे ये बन रहा है मकान जैसा, ऊपर से रूम बन रहे, दो रूम, ये हम होम स्टे के लिए अपने उस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, स्कूल पर्पज़ और होम स्टे के लिए। और सामने जो आप देख रहे हो वहाँ पे खुदाई हो रही है, वहाँ पे एक्चुअली ये रूम का इनका वो बन रहा है, पिट बन रहा है। जो भी लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं तो मैं उनको बता दूँ, मैं एक्चुअली देवनाई गरुड़ बागेश्वर से हूँ, और सामने मेरा जो पुराना घर था पैतृक गाँव सामने है उधर, तो वहाँ से पापा लोग नीचे आ गए यहाँ पे, यहाँ पे पापा ने स्कूल खोला, इस ज़मीन को दूसरे गांव में आके पापा ने ज़मीन ली, यहाँ पे स्कूल खोला, अभी हमने यहाँ पे सारे पेड़ लगा दिए, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगा दिए, बड़े बड़े पेड़ लगा के क्या होता है कि हवा पानी बहुत अच्छी रहती है और पानी का भी वो स्रोत बनता है। और दोस्तों ये तो हमारा घर का बाहर का पूरा इलाका मैंने आपको दिखाया, बहुत सारी सब्जी लगा रखी हमने, अब मैं आपको अपने घर का अंदर दिखाता हूँ। ये हमारा घर का अंदर है, ये हमारा रूम है, एक्चुअली ये मेरे पापा रूमा मम्मी यहाँ पे सोते हैं, और बड़ा हॉल जैसा रूम है, बड़ा मैशअप और का है, माइंड नोट करना। दूसरा हमारा आगे आते हैं, इधर यहाँ से भी है, यहाँ पे आते हैं हमारा सामान वामान रहते हैं, अंडे रहते हैं, वही हमारा फ्रिज है, वही क्या क्या पड़ा दही वही। ये हमारा किचन है जहाँ पे हमारा खाना वाना बनाते हैं, सामने एक वॉशरूम है और ये पापा यूज़ करते हैं, और यहाँ से हम खाना वाना बनाते हैं यहाँ पे। और ये हमारा, ये मेरा रूम है, यहीं से एंटर है यहाँ पे, ये मेरा रूम है, यहाँ पे मैं सोता हूँ। और ये देखो इसको कैसे बैठा है, ये हमारा गंदा बच्चा गुस्सा हो गया ये। ये आगे फिर हम यहीं से अपने दूसरे रूम में, ये मेरी बहन का रूम है, मेरी बहन यहाँ पे बैठ के काम करती है, ये हमारा वॉशरूम है, मेरे बहन और मेरा वॉशरूम ही सामने है, और यहाँ पे बैठ के मेरी बहन अपना जॉब करती है, मेरी बहन वर्क फ्रॉम होम करती है तो काम करती है यहीं से। और ये दोनों बच्चे देखो ऐसे हैं, ये दोनों बच्चे हैं लेट रहते हैं यहाँ ऐसे करके, आओ इधर जल्दी, इधर ये दोनों बच्चे से लेट रहते हैं,
हमारे दोनों बच्चों तो बहुत प्यार करते हैं लोग, अच्छी जगह पैदा हुए थे, मैंने इनको इनकी डिलीवरी मैंने की थी तब, मुझे बहुत प्यार करते हैं दोनों बच्चे। अच्छा मेरे पास चले गए तो। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना अलमारी, यहाँ पे मेरा पूरा सामान रहता है। यहाँ पे मोस्टली मेरा साइकिलिंग का सामान, आउटडोर टेंट वेंट रहता है। तो नीचे देखो आप, यहाँ पे मेरा स्लीपिंग बैग पड़ा है एक्स्ट्रा, इसके नीचे दो एक्स्ट्रा यहाँ पे मैट्रेस रहते हैं, यहाँ पे ये दो मैट्रेस होंगे, एक्स्ट्रा मैट्रेस पड़ा है। इसमें मेरा एक टेंट, इसमें मेरा 4 मैन टेंट है, और ये मेरा साइकिलिंग वाला बैग जो दोनों में मैंने वर्ल्ड टूर के लिए यूज़ कर रहा हूँ यही रखे हैं, टिकट वाले इसको भी। ये मेरा रक्सैक है जो मैं इसलिए लेके घूमता हूँ, इसमें मेरा कपड़े रहते हैं, सब मेरे सब मैशअप वर्क हैं। ये मेरा सामान है बाकी जो भी सामान होगा इसमें काम का। इसमें मेरा गोप्रो का बॉक्स है और कुछ बॉक्स वॉक्स हैं। ये मेरे ग्लासेस हैं, ग्लासेस का शौक मुझे बहुत है, तो मेरा 1 ग्लास 2 ग्लास 3 ग्लास पड़े रहते हैं। और ये मेरा एक स्लीपिंग बैग है पुराना वाला जो मैंने यूज़ किया था अपने इंडिया से सिंगापुर टूर में, उसके बाद इंडिया टू अफ्रीका टूर में मैंने यूज़ किया था। और मेरा पूरा सामान है बाहर हाइकिंग का, ट्रैकिंग का। ये मेरा नाइफ है जो मैं यूज़ करता हूँ ट्रैकिंग के दौरान। ये मेरा बाइनोकुलर्स है जो मैं यूज़ करता हूँ, मैंने मलेशिया से लिया था ये वाला। ये मेरा ट्यूब है, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। उसके अलावा एक खास चीज़ आपको मैं दिखाऊंगा जो मेरे पास मैंने कलेक्ट की है अपनी जर्नी से। तो आज की जो वीडियो है मैं लाइव बना रहा हूँ, मतलब कि लाइव मतलब कि इन द सेंस आज जो हो रहा है आज ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि लोग बोर हो गए थे सोच सोच के कि यार कि ये पुरानी कि मैंने पुरानी वीडियोस डाल रहा है तो लोग का इंटरेक्शन नहीं आ रहा था इतना ज़्यादा। हाँ दोस्तों, एक खास चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी जर्नी से, मैंने जो कलेक्ट किया है 19 कंट्रीज़ हो चुकी हैं, और जो मैंने कलेक्ट किया है ये देखो, ये जो पाउच देख रहे हो ये मैंने एक्चुअली वियतनाम और लाओस के बॉर्डर पे खरीदा था। ये पाउच मुझे एक्चुअली ट्रैवल के दौरान मुझे करेंसी कलेक्ट करने का बड़ा शौक है, तो मैंने वही किया है। तो ये देखो, इसमें इतनी सारी मैं आपको करेंसी दिखाता हूँ, मेरी जो कलेक्शन है देखो, मेरे पास इतनी सारी करेंसी की कलेक्शन है ना, ये देखो इसमें सब डिफरेंट डिफरेंट करेंसी कलेक्शन है मेरे पास। आपको कैसा लगा मेरा कलेक्शन कमेंट में पक्का बताना। और पता नहीं कितने 19 कंट्रीज़ के तो मैं गया हूँ, पर बाकी कंट्रीज़ के भी हैं जो जो मैंने लिए हैं या कहीं कहीं से मैंने कलेक्ट किए हैं। इतना सब आपको दिखाने पाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, पर मोस्टली इसमें वो कंट्रीज़ के रखे हैं मैंने जो कंट्रीज में मैं गया हूँ। और इसमें सबसे अच्छा मुझे जो लगता है, जो करेंसी लगती है वो है, मुझे एक्चुअली प्लास्टिक करेंसी ज़्यादा पसंद होती है, जैसे कि जो गीला हो जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे कि ये देखो, एक करेंसी मेरे पास है प्लास्टिक करेंसी, इतनी सुंदर सी, देखो अच्छा प्लास्टिक नहीं है सॉरी, ये तो पेपर करेंसी है। तो एक्चुअली मैं जब जितने कंट्री में घूमता हूँ तो पेपर करेंसी, प्लास्टिक करेंसी मैंने बहुत देखी है। तो प्लास्टिक करेंसी में क्या होता है कि जैसे कि ये आपकी प्लास्टिक करेंसी है, देख रहा हूँ ये पूरी बनी हुई है प्लास्टिक से, तो ये मुड़ जाए, ये फटने का कोई छूटा नहीं रहता, देखो फटने का चांसेस नहीं रहता है। उसके अलावा ये गीली हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है, तो तभी मैं प्लास्टिक करेंसी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ और प्लास्टिक और पेपर करेंसी को कम कम कंसिडर करता हूँ। आप लोग क्या सोचते हैं कि इंडिया में कैसी करेंसी होनी चाहिए, प्लास्टिक होनी चाहिए, पेपर होनी चाहिए, आप बताना कमेंट में। मैं सोचता हूँ कि इंडिया में भी प्लास्टिक करेंसी होनी चाहिए ताकि जो नोट हैं लॉन्ग टाइम चल पाएँ, और प्लास्टिक ज़्यादा ड्यूरेबल होता है मेरे ख्याल से, और जो पेपर होता है जल्दी फट जाएगा या गंदा हो जाता है, शायद ऐसा हो सकता है। तो आप बताना कमेंट्स में कि आप क्या सोचते हैं। तो ये मेरी कलेक्शन, और कमेंट से भी बताना कि आप जैसे कि मैं ट्रैवलिंग के दौरान मुझे ये करेंसी कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा लगता है ट्रैवलिंग के दौरान, क्या कलेक्ट करना अच्छा लगता है, किसी को हैट करना अच्छा लगता है, किसी को अलग अलग कंट्रीज की टी शर्ट कलेक्ट करना है अच्छा लगता है, किसी को लॉकेट कलेक्ट करना, किसी को ब्रेसलेट्स, तो आप बताना कमेंट में पक्का। इस साइड आप ये साइकिल देख रहे हो, ये मेरी पुरानी साइकिल है 2019 में, पहले जब मैं कॉलेज में था तो मैं एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अटेम्प्ट कर रहा था, लॉन्गेस्ट जर्नी इन 12 आवर्स, उससे 12 घंटे से ज़्यादा साइकिल चलने का एक रिकॉर्ड करा था। तो मैंने इलेक्ट्रिक साइकिल ली थी, और उसके बाद से मैंने कभी चलाई नहीं, मैंने दोस्त को दी थी नितिन को, उसके बाद नितिन ने मुझे वापस कर दी, वैसी पड़ी हुई है। और आज पापा बना रहे हैं रोटी, और ये क्या बन रहा है पापा, और ये बन रहा है मटर, हो गया हो गया। और दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ नाश्ता करने के लिए, मैं और मेरी बहन पीछे है, बहन यहाँ देख लो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो अभी मैं नाश्ता कर रहा हूँ, नाश्ते में मेरे पास अभी रोटी है, दही है, और आलू और मटर की सब्जी है। मटर हमारे खेत से ही है, खा लेता हूँ फटाफट, और टेस्टी बना। जो भी चीज़ हम खाते हैं मोस्टली, ये दही भी एक्चुअली पहाड़ की है, किसी गांव से आई है, घर की है मतलब, और ये रोटी सब्जी भी सब, रोटी भी हमारे गेहूँ हमारे खेत में ही होते हैं, और ये हमारे जो मटर आलू है सब हमारे खेत के ही हैं, हम बाहर से कुछ नहीं खरीदते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ दोस्तों, जो भी हमारे यहाँ पे यूट्यूबर भाई लोग हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके थे पूरे, तो मुझे गोल्ड जो प्ले बटन मिलता है, सिल्वर प्ले बटन मिलता है, वो अप्लाई किया था मैंने, तो 2 महीने से तो मैं बाहर था, अभी अप्लाई किया मैंने, तो वो आज सक्सेसफुली अप्लाई होकर आ चुका था।
आने के बाद क्या हुआ कि वो अमेरिका से आता है तो KYC सॉरी वहाँ से आता है फॉरन से, तो वो कस्टम अटक गया है। मुझे वो कस्टम वालों का मेल आया था कि वो फेडेक्स के थ्रू आया है, कुरियर शिपमेंट वो सर्विस है फेडेक्स, तो उनका मेल आया था कि आप अपना KYC क्लियर करो। तो ये भी इतना लंबा मेल आ रखा KYC वालों का, देखो तो अपना आधार कार्ड डालो, पैन नंबर डालो, ये करके ये दो करके कार का पूरा GST नंबर, ये नंबर इंपोर्टर एक्सपोर्टर IAC कोड दो। तो मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं आया क्या करूँ, तो अभी मैं ये मेरा आधार कार्ड ये मेरा पैन कार्ड ये दोनों उनको ईमेल कर रहा हूँ, तो तभी मेरा कस्टम क्लियर होगा और तब मेरे पास मेरा वो गोल्डन प्ले बटन सॉरी सिल्वर प्ले बटन पहुँचेगा। मैं वेट कर रहा हूँ कब पहुँचेगा, तो पहले मैं क्लियर करता हूँ, आई होप पहुँच जाए। दोस्तों फाइनली 3 घंटे की मेहनत के बाद ये अभी मैंने सबमिट किया है, हरा हरा करके आ रहा है। अभी देखो ये दो घर चल जाते हैं, एक लेटर भी भर के दिया है, एडिट करके एडिट करने में इतना घंटा लग गया, सर दर्द हो गया मेरा आज तो, जब भारत में भर के हवा खाता हूँ। और दोस्तों अभी मैं अपना यूट्यूब का काम निपटा के भी बाहर आया हूँ जरा फ्रेश एयर लेने के लिए। आज का मौसम बहुत ही खतरनाक है, देखो पूरी बादल बादल लगे हुए हैं और पीछे हमारे ये जुकीनी जो कद्दू वद्दू हैं लगे हुए हैं। तो बहुत दिन बाद घर आ रहा हूँ घुमाई करके, तो अच्छा लग रहा है। आज ये मम्मी है ये मसूर की दाल निकाल रही है, तो हमारे जो ये हमारा ऑर्गेनिक होम गार्डन है, यहाँ पे हमारे दो टाइप की दाल यहाँ पे हम बोते हैं। एक तो ये काला मसूर है जो यहाँ पे भी मम्मी निकाल रही है, और दूसरा वहाँ पे हमने चना लगाया है। और उसके अलावा मम्मी उसके अलावा हम कौन सी दाल बोते हैं? हाँ उसके अलावा इसके बाद ये जब इसको खोद कर हम इसमें गहत बोएंगे और सोयाबीन और काली भट्ट, काली भट्ट यहाँ पे बोएंगे। और गाँव में हमारा अरहर और उड़द होता है, उड़द होता है भट्ट। हाँ, काली भेड़ और सोयाबीन, सोयाबीन तो सफेद होता है, काली भेड़ होती है। तो ये हमारा घर के पास है इसलिए यहाँ पे दो किस्म की दाल बोते हैं। उसके अलावा हमारे वहाँ ज़्यादा खेत है उस साइड, तो वहाँ पे हम बाकी किस्म की दाल वहाँ बोते हैं। तो अभी हम कल इसको इसको हम ये सुखाएंगे, 2-3 दिन सुखाएंगे, उसके बाद उसको हम कूटेंगे। कूटने के बाद इसको फिर हम इसमें हम राख वाख मिलाएंगे। राख मिलाने के बाद फिर इसको हम 4-5-3-4 साल तक आराम से यूज़ कर सकते हैं अपने खाने के लिए। तो वो आपको मैं बाद में दिखाऊंगा कल। ये देखो ये हाइब्रिड वाले कद्दू होते हैं, ये गोल है और वो लंबी, तो ये बाहर से आ रखे हैं कद्दू, इनका जो बीज है जापान से आ रखा है। तो ये देखो ये एक तो लंबे वाले हैं, इस बार हमने गोल वाले ट्राई किए। जब ये रेडी जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा हम कैसे मार्केट में बेचते जाते हैं, कैसे हमको कितना ऐसे इनकम होता है, वो बाद में दिखाऊंगा। आप वीडियो में बने रहना, तो आपको हमारा ऑर्गेनिक होम गार्डन कैसा लगा कमेंट पक्का बताना। और आज से मैं ट्राई करूँगा कि रोज़ रोज़ छोटी छोटी वीडियो डालते रहूँ, पुरानी वीडियो जो गई वो तो गई गई पर आपसे डालते रहूँगा। और दोस्तों ये हमारे छोटे बच्चे हैं, देखो इन्होंने मैंने खाना खाया नहीं खाया, कल इन्होंने नहाई नहाई की थी, दोनों बच्चों ने बैठे रहते बाहर को। काली भट्ट की चुड़कानी। अच्छा ये काली भट्ट की दाल है, चुड़कानी बोलते दाल बोलते हैं, चुड़कानी बोलते हैं। और चावल, चावल और ये चावल ना रखा है, वाह चावल घर वाले होंगे ना पर? हाँ घर वाले। ठीक छू, तो ये है बुरास का फूल, देखो ये बहन लाई होगी, इसने यहाँ रख दिए, अच्छा लगता है। ये दाल है, चटनी होनी की नहीं बड़ी चटनी है, अचार है। अच्छा अचार है, हमारे घर में बनाया हुआ अचार है घर के आम का। तो हम एक्चुअली हमारे पास चूल्हा नहीं है, अभी चूल्हा बना रहे हैं, आपको दिखाऊंगा बाहर। अभी हम कैसे बनाते हैं, और मोस्टली हम इंडक्शन में बनाते हैं और केटल यूज़ करते हैं पानी गर्म करने के लिए, क्योंकि पहाड़ों में मोस्टली गर्म पानी ही पीते हैं। आपको बाहर दिखाता हूँ कि हम कहाँ पे, अभी रुको अभी आप लगा दो, मैं आ रहा हूँ अभी बाहर को दिखाता हूँ आपको मैं, जहाँ पे हम अपना मॉडर्न अपना हम किचन में आ रहे हैं, पहाड़ी किचन चूल्हा बना रहे हैं। और कल आज देखो कितना काम हो चुका है आज का हमारा, ये हमारा ऊपर होम स्टे का टॉयलेट का पीट बन रहा है, उसके बाद ही यहाँ पे हम वो बनाएंगे अपना किचन बनाएंगे, जिसमें हम पहाड़ी स्टाइल का वो चूल्हा 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 टाइप बनाएंगे। तो आपको अभी एक दो वीडियोस में दोस्तों आज पूरा दिन निकल गया है, और अभी बाहर की धूप आ गई, देखो बारिश के बाद धूप आ गई है। और हम मैं अभी खाने वाला हूँ अखरोट, मेरी मम्मी ने हमारे पेड़ से अखरोट बचाए थे मेरे लिए, तो मैं खाने वाला हूँ, मुझे अखरोट पसंद है। दोस्तों खाना खाने के बाद देखो पूरे बाहर गीला हो गया है, बारिश से भी बारिश रुक गई जाने के लिए। मैं अभी एक्चुअली एक वो रील वो एडिट कर रहा था, रील एडिट करने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ मटर तोड़ने के लिए। दोस्तों ये देखो हमारा टाइगर भी आ गया है भीग भाग के, और ये हमारे मटर जब तोड़ने आ रखे, देखो मटर अभी देखो इतने अच्छे मटर लगे हमारे, ये मोटे मोटे मटर का सीजन हमारा हम खा रहे हैं अक्टूबर से खा रहे हैं पिछले साल, और अभी तक लगा खा ही रहे हैं। मम्मी कब तक होंगे ये मटर? अब ये मई तक चलेंगे, मई तक। हम अलग अलग खेत में अलग अलग टाइम पे ये मटर बोते हैं, और ये मटर जो थे हमने दिसंबर में बोए हैं, तब ये मई तक चलेंगे चलेंगे। दोस्तों शाम हो गई है, तो आज के लिए वीडियो बस नहीं, मैं ट्राई करूँगा कल से कि मैं व्लॉग को डेली डाल पाऊँ और जो प्रेजेंट में चल रहा है मेरी लाइफ में वो दिखा पाऊँ, ये नहीं कि एक महीना लेट दिखा पाऊँ, क्योंकि लोग ऑलरेडी इतना बोर हो गए थे देख देख के, व्यूज़ भी नहीं दे रहे थे, तो मैंने कहा आप जो चल रहा है वही दिखाना चाहिए। तो कल सुबह 8 बजे डालूंगा, मॉर्निंग में 8 या 9 बजे। तो और ट्राई करूँगा कि जब भी तक मैं घर में हूँ डेली व्लॉग्स डालते रहूँ, और आई होप आपको अच्छा लगे, तो आप सपोर्ट करते हैं ना, 1,20,000 के फॉलोअर्स हो चुके हैं, तो कुछ ना कुछ लोग तो देखने चाहिए ना। और ये हमारा देखो कैसा कर रहा है ये,
ये हमारा बड़ा टाइगर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, अपनी रोज की लाइफ स्टाइल के साथ। बाय बाय।